अब जयराम महतो क्या करेंगे? ये सवाल इस वजह से उठ रहा है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गिरिडीह में कार्यक्रम प्रस्तावित है। वो अपने सहयोगी पार्टी आजसू के उम्मीदवार सीपी चौधरी के लिए गिरिडीह की जनता से वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री का यह तीसरा कार्यक्रम है, तीसरा दौरा है, लेकिन अपने सहयोगी पार्टी के लिए यह पहला कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कहीं न कहीं सीपी चौधरी और उनकी पार्टी और आजसू या सुदेश महतो जिस तरह से दावे कर रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह पार्टी 2.5 लाख के करीब मार्जिन से जीती थी, उस मार्जिन को इस बार कहीं ज्यादा किया जाएगा। ये भरोसा, ये आत्मविश्वास किस वजह से है? क्या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद ये विश्वास और बढ़ेगा, ये कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर जाएगा? और क्या प्रधानमंत्री के दौरे से JBKCS को यानी झारखंडी भाषा खतियान संघ समिति को कोई परेशानी हो सकती है, या फिर जयराम महतो को इससे नुकसान हो सकता है? इस सवाल को लेकर के हमने कई बार उनके जो प्रवक्ता हैं या उनके लोगों से पूछा, तो ये बताने की कोशिश हुई कि प्रधानमंत्री का आना इस बात का संकेत है, इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं जयराम महतो या JBKCS ने आजसू को ये मजबूर कर दिया कि वो प्रधानमंत्री से मदद मांगे, क्योंकि 5 साल में जिस तरह सीपी चौधरी ने कामकाज नहीं किया है उससे लोग उनको ढूंढ रहे हैं और उससे बेहद नाराजगी है। लिहाजा उस नाराजगी से वो उबर नहीं पा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अब प्रधानमंत्री से मदद मांगी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये जयराम महतो की जीत है, ये JBKCS की जीत है, ये नजरिया है JBKCS का, उनके नेताओं का, उनके लोगों का। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आजसू प्रचार प्रसार कर रही है, और जैसे ही NDA के साथ उनका गठजोड़ बना, उसके बाद प्रत्याशी की घोषणा हुई, उसके बाद से ही सुदेश महतो या आजसू की पूरी टीम ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम इस बार बड़े मार्जिन के साथ जो है वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन इसी सीट से जयराम महतो भी दावा ठोक रहे हैं और उनका जो नॉमिनेशन है वो भी एक्सेप्ट हो गया है। उन पर जो कानूनी पेचीदगी बनी थी, उन पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, वो भी खत्म हो गई है। 30 मई तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, उस दिन सुनवाई होगी, फिर आगे का उनका भविष्य जो है वो तय होगा। लेकिन फिलहाल जयराम महतो बिल्कुल आसानी के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि पहला वाला जो पहले जो फॉर्मेट उनका रहा था चुनावी सभाओं को संबोधित करने का, वो फॉर्मेट बदल गया है। वो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कहीं ना कहीं एक हवा तो जरूर चलेगी, और वो हवा कहीं ना कहीं JBKCS को क्या नुकसान पहुंचा सकती है? जो जानकार है वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के आने से जो फिजा है वो सीपी चौधरी के पक्ष में और ज्यादा बनेगी। लेकिन JBKCS के लोग ऐसा नहीं मानते हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आजसू को मजबूर कर दिया है कि वो PM को गिरिडीह लाएं और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करें। बहरहाल अब गठबंधन के लिहाज से देखें तो आजसू का ये सीट जीतना बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर एक सीट जो सिर्फ आजसू के खाते में गई है 14 में से और 13 सीटों पर BJP चुनाव लड़ रही है, अगर उसकी सहयोगी पार्टी जो सबसे प्रमुख सहयोगी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी है आजसू, अगर उस एक सीट से भी चुनाव हार जाती है तो जाहिर सी बात है गठबंधन को लेकर के एक बार फिर से विचार मंथन होगा कि गठबंधन की वजह से उनको नुकसान हुआ या गठबंधन की वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। लिहाजा BJP भी इस बात की कोशिश कर रही है कि हर हाल में सीपी चौधरी को यहां से चुनाव जिताया जाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है यहां पर प्रस्तावित है। लेकिन JBKCS के लोग मानते हैं कि जो उनके नेता हैं, जो उनके केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम महतो, वो आसानी के साथ चुनाव जीत रहे हैं, इसमें इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। लेकिन जिस तरह से जयराम महतो की घेराबंदी हुई, जिस तरह से कानूनी पेचीदगी में फंसे, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटकी, अगर गिरफ्तारी हो जाती तो जाहिर सी बात है JBKCS के लिए भारी परेशानी होती। जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो जो रांची से पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो इन दिनों हॉटवार जेल की हवा खा रहे हैं, उनको उन पर भी कई मामले दर्ज हैं। एक मामले में राहत मिली है, बाकी मामलों में अभी भी वो जेल में ही हैं। ऐसे ही मामले कहीं न कहीं जयराम महतो पर भी बने हुए थे, लेकिन फिलहाल उनको कोर्ट से राहत मिली है और कहीं ना कहीं वो फिलहाल लोगों के बीच में है। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद गिरिडीह की पहले की फिजा और बाद की फिजा में क्या परिवर्तन है आता है, क्या राजनीतिक हवा बदलती है, क्या राजनीतिक रुख बदलता है, ये देखना दिलचस्प होगा, उस पर नज़र हमारी रहेगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री या BJP जिस आक्रामकता के साथ प्रचार प्रसार कर रही है, उससे में कहीं लोगों को मैसेज गया है कि BJP सभी सीटों पर चुनाव जीतना चाहती है और अपने सहयोगी आजसू के लिए भी सीपी चौधरी के नाम को लेकर वो कन्फर्म करना चाहती है। हालांकि 2019 के चुनाव में सीपी चौधरी बड़ी आसानी के साथ चुनाव जीते हैं और उनका मार्जिन भी अच्छा खासा रहा है, करीबन 2.5 लाख के करीब, उस 2.5 लाख को इस बार बढ़ाने की उम्मीद है।
लेकिन जेबी केसेस के लोग इस बात को नहीं मानते हैं, कहते हैं 2019 में जयराम महतो नहीं थे, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नहीं थी, लिहाजा अब वो सपने देखने के दिन गुजर गए हैं, अब सीपी चौधरी को जो है यथार्थ से सच्चाई से सामना है। बहरहाल आज प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान पीएम जो है क्या कुछ कहते हैं, क्या वो इशारों इशारों में जेबी केसेस जयराम महतो की तरफ इशारा करते हैं। आमतौर पर उनका उनके निशाने पर कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, राजद है, अभी तक क्षेत्र जेबी केसेस हो या जयराम महतो हो इस तरह की बातें उनके जुबान से नहीं आई है, लेकिन जब गिरिडीह में आते हैं तो क्या वो इन माइन्यूट चीज़ों पर, क्या इन एकदम निचले स्तर पर जाकर के, यूँ कहें कि एक बिल्कुल ग्रास रूट के स्तर पर जाकर के प्रधानमंत्री क्या इन विषयों पर बातचीत करते हैं, क्या जो लोकल इश्यूज़ हैं जैसे जल जंगल जमीन का विषय, खतियान के विषय, नियोजन का विषय, स्थानीयता का विषय, जिन विषयों को जयराम महतो उठाते हैं, क्या बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर जाकर प्रधानमंत्री इन विषयों के बारे में बातचीत करते हैं, या आमतौर पर जो चुनावी सभाओं में होता है, जो देखने को मिलता है, वही चीज़ें होती हैं। न्यूज़ मॉनिटर की इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनी हुई है, आप भी नज़र बना कर रखिए। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।